हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आज के न्यू ब्लॉग में। तो भाई देखो भाई, आज है मंडे और आज है सावन का आखिरी मंडे। तो भाई आज क्या है, आज है कुड़िया का व्रत जो कि कल रात से शुरू हो गया है। तो भाई कुड़िया भी जाएगी मंदिर, लेकिन इससे पहले देखो बाबू जा चुका स्कूल, नन्नू भी जा चुकी स्कूल, यहाँ चल रहा है काम। यहाँ पर तेल डाला जा रहा है कढ़ाई के अंदर, क्योंकि कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है दिखाते, किसी चीज़ का बैटर है, बड़ा मस्त लग रहा है देखने में। वाह, कचौरी। कौन सी कचौरी है? और ये है आलू का उसकी स्टफिंग, और ये नारी का साग बोलते हैं कुछ समथिंग नारी का। अब ये नारी है कि नाला, ये तो बाद में बनाएंगे पतले। और इधर आता और इधर तेल इसमें तला जाएगा, ये नारी का कचौरियाँ जो कि गुड़िया भी दिखाएगी। इसके अंदर सब्जी बन चुकी है और इस वाली प्लेट के अंदर अभी हमारा जूस निकलेगा। अभी हमारा नहीं मतलब उसमें, यार ये कौन है बाहर? अरे बाबा उठा ले, बताओ इनका आलू लो पहले। और यहाँ देखो भाई, ये है नारी का साग, यानी कि बहुत बढ़िया होता है। ज्यादा था ना तो मैंने, कोई बात नहीं, साग बनेगा इसका। हाँ खा ले, ठीक है, बना दो साग बना दो। और ये अभी आटा, और यहाँ भाई बनेगी रोटी हमारे लिए, क्योंकि गुड़िया का तो व्रत है, गुड़िया खाएगी नहीं। तो भाई हम सब क्या करेंगे, यहाँ से सफाई करने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत करने की। और जैसा कि मैंने बताया था, और रंजन भाई के आज पूजा भी है, तो पूजा में भी जाना पड़ेगा। बहुत सारे काम हैं आज भी, तो देखो जो जो काम करेगा आपको दिखाते रहेंगे। और ये आलू ख़त्म नहीं हो रही भाई, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आलू 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 हो रही है जहाँ देखो तहु। और भाई बाबू जा चुका है, कपड़े भी धोने, गुड़िया भाई ना बोले कपड़े धोने भाई, कपड़े भी धोने भाई, देखो कितना सारा काम है। तो यानी काम भरपूर है। अरे यार भाई साहब जाओ, अंदर चलते नहीं तो आलू भाई साहब बेचते रहेंगे। और यहाँ देखो भाई, कमरा अभी थोड़ा सा सेट करना है, इसकी भी सफाई होगी। तो अभी ज़्यादा हमने कुछ तरीके से ठीक से रखा नहीं है, तो चलते हैं अभी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या होगा आज। तो जो भी होगा सबको दिखाएंगे, और बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। और जैसे जैसे रक्षाबंधन पास आ रही है, काम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई त्यौहार आता है तो सभी को काम करना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत देखो भाई तैयारी कर चुके हैं और थोड़ी बहुत कर रहे हैं, ऐसे ही होता रहेगा। जो भी होगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे, बने रहेगा ब्लॉग के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो यार, कर दो यार प्लीज़, है ना। चलो बने रहिए स्टो और हमारे ब्लॉग के अंदर, मज़ा आएगा आपको। अभी ये बन रही है क्या कचौरी, कैसे बनेगी? अभी पहले एक पेड़ा लिया और हाथ में गुल गुल घुमा दिया, और उसको यहाँ चपटा चपटासन, फिर उसको एकदम गोलासन, और ये गोल गोल करके इसमें भर देंगे ये आलू की स्टफिंग, और ये भर के और इसको क्या कर देंगे, इसको बंदासन, इसको बंद कर देंगे। देखो भाई एकदम बंद कर दिया, और अब क्या करेंगे, इसको गोल 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 फिर दोबारा करेंगे, फिर इसको एकदम चपटासन कर देंगे। ले भाई लो भाई, अब इसे बेल देते हैं बेलन से। ये लो भाई, बहुत बढ़िया है ये गुड़िया का अस्त्र शस्त्र। और देखो ऐसी कचौरियाँ बनी हुई, क्या लग रही है ना देखने में, मस्त एकदम हाइजीनिक ऐसा लग रहा है कि एकदम ग्रीन, कितनी बढ़िया साफ सुथरी मस्त क्वालिटी की। तेल गर्म हो चुका है तो गुड़िया चेक कर रही है, और अब ये डाल देगी कचौरी इसमें। ये डल गई हुई, अरे वाह, मेरे चक्कर जल्दी डाल दे लगता है इसमें। ऐसा नहीं है। अच्छा सही है। चलो भाई कचौरियाँ तल रही हैं, जब बन जाएगी तो दिखाएंगे। वाह कितने सारे काम करती गुड़िया, एक बार हम देखे थे रोटी इधर कचौरी। ये बहू है ना, ये बहू भारतीय बहू। तो गाइस देखो भाई, हम हो चुके हैं रेडी, और देखो टी शर्ट पहन ली है और बढ़िया तरीके से रेडी हो गए। लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम भी बहुत सारे हैं। तो फटाफट हो चुके हैं रेडी भाई, चलते हैं अब जल्दी। और रास्ते से फ्रूट भी लेना है विजय भी रास्ते में, तो सबको लेके पिक करते हैं और चलते हैं कहाँ, रंजन भाई के वहाँ जो कथा हो रही है स्टूडियो में, वहाँ। तो फटाफट आते हैं वहाँ से, क्योंकि टाइम 11:30 हो गया, लेट हो गया अभी जाने में वैसे भी। ठीक है बढ़िया, तो चलें फिर जी। चलो फिर मैं आता हूँ, है ना। चलो तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट, देर भी हो रही है और जल्दी से आते हैं। चलिए तो गाइस देखो भाई, रंजन का सामान आज फिर भूल गया था मैं, क्या वो जो स्टूडियो का सामान आया था लीड और वो बॉक्स, वो फिर आज भूल गया। अभी गुड़िया आई तो फिर मैं दोबारा आया हूँ लेने के लिए। जब देर होती रहती है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देर होती रहती। चलो लेके आ रही है गुड़िया।
सामान ले लिया देखो और चलते फटाफट, जल्दी देर भी हो रही है। ठीक है भैया, चलो देखो भाई स्माइली आ गए हमारे साथ और हम जा रहे हैं कहाँ, आपको पता है पूजा में जा रहे हैं। तो रास्ते में मैंने कहा था कि स्माइली को लेंगे, बिज्जू को, बिज्जू ले रहा है पेट्रोल यहाँ से। तो हम खड़े भाई कहाँ, कारगिल पंप पे। और देखो बहुत दिनों बाद स्माइली मिली है, तो आज भगवान जी का नाम लेंगे साथ साथ सब जब, और देखते हैं ऊपर वाला चाहेगा तो अच्छे से काम आएगा, खूब सारा काम आएगा और साथ में मिलकर काम फुल लॉन धमाल करेंगे। ये फ्रूट्स ले लिए देखो, येलो येलो एकदम सेम पिच। भगवान जी को आजकल केले ही चढ़ाते हैं, आजकल क्या हमेशा सीजनेबल फल भी चढ़ाते हैं, मैंने वो भी लिए, क्या लिए, वाह आजकल सीजन के फल भी चढ़ाते हैं भगवान को भी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। यस यस, चलते हैं भाई वहाँ पर। और देर हो गई थोड़ी सी, हमें थोड़ी क्या ज़्यादा देर हो गई है, पता नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो फटाफट चलते हैं। लेकिन ये बिजू कुमार है ना, देखो ऑयल भी ले रहा है, ये भी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। मेरे से भी कुछ सामान छूट गया था स्टूडियो का, वो भी लेने गया था, आपको बताइए। तो भाई एकदम येलो येलो डर्टी फैलो हम दोनों लगे हुए, तो चलते हैं भाई कहाँ, स्टूडियो फटाफट जल्दी से। आज देखो भाई हम कहाँ पहुँच चुके हैं, अपने स्टूडियो। तो भाई हम अब देखो चलते नीचे, जो आवाज़ आ रही है पंडित जी कुछ हवन यज्ञ जो भी कर रहे होंगे, तो चलते हैं फटाफट भाई, इतने लेट तो हम हो ही गए, फिर भी पूजा में चलते हैं। आओ आप चलो, जिसका हाथ खाली है वो चले आगे, क्योंकि खोलेगा ना वो। ठीक है, चलो भाई चलो। सूज यहीं खोल दो, चल भाई बच्चू। चलो भाई देखो भाई बहुत बढ़िया हो गया। आंटी नमस्ते, सभी गणमान्य लोग पहुंच चुके हैं। जय हो। क्या नंदन भाई, थाली सज चुकी है, अंग्रेजी प्रणाम, बड़ी आशीर्वाद है, तो बड़े दिनों में मिलते हो आप, कुछ दिन चलना चाहिए। कितने चावल भी लगाएं, कितने प्रशोभ चावल ले लीजिए। हाँ चावल लगाएं, ओम भूर्वस्वः सभी में थोड़ा थोड़ा बुला। कौन रंजन, ये नया सामान है, ये भी चढ़ा दे भगवान जी को ना। भाई नया इक्विपमेंट आया हमारे स्टूडियो में। हेलो, जो भी है चढ़ा लो। अरे ये स्टूडियो में सामान है जो नया उसका आया, जो यूज़ होता है वो। अच्छा, अभी नया मंगाया तो मैंने कहा भगवान के चरणों में इसको रख दें, आशीर्वाद मिल जाएगा नई नई चीज़ों का। और यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा कि न जाने कितने प्रकार के प्राणी अपने अपने पाप कर्मों से दुखित हो गए। नारद जी के मन में आया कि प्राणियों का दुख कैसे दूर हो, ऐसा विचार करते करते भगवान नारायण के यहाँ पहुंचे और नारायण के यहाँ जाकर के ओम जय जगदीश हरे महात्मा तुम अंतरयामी परमेश्वर पार
परमेश्वर तुम सग के स्वामी ओम जय अरुणजीत हरे। भाई देखो भाई पूजा हो गई है संपन्न, पीछे बहुत शोर आ रहा होगा, इधर मकान बन रहा है कोई, और हमारी हालत देखो यार पसीने से ना ऐसा हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। देखो हम बाहर आ गए, इतनी तेज़ धुआं है, एक्चुअली क्या बेसमेंट है ना वो, तो बेसमेंट में इतनी प्रॉब्लम होती है, धुआं तो एग्जॉस्ट हो नहीं पाता, तो इस वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पूरा एकदम। ये समझ लो कि शरीर के अंदर सिर्फ धुआं भर गया, मुझे लग रहा है 10 से 20 पैकेट हमने आज सिगरेट पी ली होगी, इतना धुआं है। लेकिन कोई बात नहीं, हवन का धुआं है, प्रभु हमारे बहुत अच्छा करेंगे, धुएं से कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हमें, हमें पता है। तो भाई पूजा हो गई संपन्न, थोड़ी देर में देखते हैं रंजन भाई से पता करते हैं, चलते हैं घर क्योंकि बहुत सारा काम है अभी, तो उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। आ गई शिवानी। हाँ शिवानी, ये वाली चप्पल आपकी है क्या? हाँ जी, आपकी पहनी है, आपकी पहन लो, टूट जाएगी। छोटी चप्पल मुझे सही लगती है। अच्छा तभी पहन के आए थे अब। हाँ। मैं देख रही फोन पे, मैं मोस्टली घर पे भी फीमेल चप्पल पहनती हूं। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत स्मार्ट। देखो देख टीका देख कैसे लगाया इन्होंने मेरे, बड़ा टीका लग रहा है एकदम, जैसे कोई देवी भवानी होती ना, देवी भवानी वाला टीका लगाया बड़ा बड़ा, देख ना जैसे मैं जागरण करने आई हूं। शिवानी जागरण किया कभी तुमने? कभी करना चाहोगे मौका मिलेगा तो? भजन भजन कर लोगे? मजा आता है कभी करा करो? मजा आता है कभी, मतलब वो फील अलग होती है। मास्टर में पे किया है एक बार मैंने, और हां भजन भजन गाया। हां सही है। किस तरीके से? देखो भाई मैं आ गया हूं घर पे, और यहां चल रही सफाई। देखो कपड़े चेंज कर लिए हैं, गुड़िया कर ली, सफाई देखो कहां से देख रहा हूं मैं, और ये पूरी सफाई कर चुके हैं। मेरा बच्चा मेहंदी लगा के बैठा, देखो कितनी राखी के लिए। किसके लिए? राखी के लिए। राखी के लिए मेहंदी लगाई आपने? कितनी मस्त मेहंदी है देखो भाई मेरे बच्चे की। वाह नहीं देखा है? और यहाँ देखो भाई पूरी सफाई वफाई हो चुकी है, ये गुड़िया और नन्नू ने कर दी पूरी सफाई, पूरी बेहतरीन तरीके से, मेरी तो जरूरत नहीं पड़ी इनको। पापा आप बैठो। बैठना नहीं बेटा, काम करना। हाँ बस बेटा ऐसे बोलोगे कौन नहीं बैठेगा। चलो बहुत अच्छी आ रहा है, ऐसे बिंदी बिंदी लगी है। तो भाई बाबू की मेहंदी देखो कितनी बढ़िया लगी हुई है, और लेकिन वे पहले वे सूख जाएगी तो मुझे तेल लगाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे धोना पड़ेगा, उसके बाद मुझे चढ़ जाएगी तो मैं देखूंगा। बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। चलो भाई तो राखी के लिए लग गई है हमारी मेहंदी बाबू की, कितनी बढ़िया लग रही है देखो। किसने लगाई है बाबू? नैना दी ने। नैना दी ने। हाँ गुड़िया पिया नैना दी ने लगाई है। अच्छा सफाई चल रही है, नन्नू कर रही है सफाई, पूरी सफाई नन्नू कर रही है इसी साफ। देखो बढ़िया, और ये फिल्टर भी निकाल दिया उसने, ये मैंने झाड़ा है अभी, और ये पूरी सफाई चल रही है देखो कितना बढ़िया एसी लग रहा है ना हमारा, चक चक। संगुन और गुडुआ वहाँ भी सब गया, तेरी मम्मी को देख एकदम बिजी हो रखी है, कह रहे गुडुआ को देखते गाड़ी में तो चुपचाप ना वीडियो बना रही। चलो भाई तो देखो भाई संगुन आई है शॉपिंग करने, और भाई हम भी देखो बाजार देखो भाई राखियाँ ही राखियाँ, चारों तो भीड़ देखो यार, चारों को जगह नहीं है कहीं, ये है भाई मंडे मार्केट और ये आई सगुन, यहाँ से राखियाँ ले लो। देखो भाई मैंने वो ठीक है वो पता क्या है, अब थोड़ी अलग ले जाएंगे सही है। लेकिन वो धीरे धीरे ना बहुत तेज रेट ज्यादा बता रहा था, ज्यादा बताया जा रहा चला जा रहा था, ये 80 रुपए ये 100 रुपए, मैंने कहा ये अब इसके अंदर पेट भर गया है।
नहीं उसकी ना सबसे ज्यादा बिकती भी बढ़िया तो इस बार भीड़ भी नहीं है महंगी दे रहा है। पिछली बार तो देख रहे एक के ऊपर चढ़ के ले रहे थे। भीड़ तो बहुत होगा भाई देखना गजब। ये देखो कांच की चीजें क्या बड़ी मस्त मस्त है। एक गिलास बड़े मस्त लगते हैं इनके वाले की। है बहुत भीड़ है नहीं उधर ना रास्ते यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी ना अपनी। तो गाइस देखो भाई हम आ चुके हैं कहाँ राखी लेके मार्केट से और मुँह हाथ धो लिया है बड़ा गर्मी गर्मी लग रही थी। तो भाई अब आ चुका है टाइम खाना खाने का क्योंकि आधे गुड़िया का व्रत तो वो फास्ट का खाना खा रही है और सारा दिन काम करने में गुजर गया। मतलब रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो भाई चलो अब बताते हैं देखो क्या बना है क्या है। देखो उधर ये है हमारा छोटू फोन देखते हुए ये खाना खाता। पैर मेरे बेटे का दर्द मैं दबाता हूँ ऐसे रख दो खाता रहूँगा मैं दबाता रहूँगा ना। और ये देखो भाई ये कुछ बॉइल्ड आलू खा रहे हैं है ना। और मेरे लिए बनी है भाई ये चावल की सावा चावल की खिचड़ी। और ये गुड़िया का व्रत खाना है क्या है ये क्या चीज़ गुड़िया पंजीरी। अच्छा आज उद्यापन हाँ आज उद्यापन है ना गुड़िया का व्रत का। तो भाई ये है पंजीरी और ये है आलू और उसके अंदर क्या लस्सी। तो भैया ये है इसका आज व्रत का खाना मीठी मीठी ले क्योंकि मीठी है मीठी है ये लाल वाली आलू है ना ये पता नहीं मीठी जैसे। हाँ ओके ओके बाबू पहले खा लो फिर दबा देंगे। हाँ मैं दबा रहा हूँ साथ साथ दबा रहा हूँ कोई बात नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई। तो गाइस देखो भाई चलो भाई आज हम ये डिनर का टाइम हो चुका है तो भाई करते हैं भोजन। और डिनर करने के बाद क्यों आज तो पूरा दिन आपको जो भी हमने किया वो दिखाया आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और बब्बू के पैर में हो रहा दर्द तो भाई खाना खाते थे उसके पैर दबाएंगे और जो भी है सब कुछ ठीक रहा। और कल है कल भी कुछ करेंगे कल क्या है हाँ कल भी थोड़ा धुलाई वुलाई रह गई है तो वो करेंगे और रक्षाबंधन तक ऐसे रोज़ बिजी रहेंगे। तो भाई चलो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और मज़ा आया तो लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा है ना प्लीज़ कह रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मज़ा आएगा और ऐसे आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे तो आई होप आपको ऐसे ही मज़ा आता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड बाय एंड गुड नाइट।